झारखंड के बोकारो में गर्मी के तापमान के साथ साथ चुनावी सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस बीच धनबाद लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की भूमिका सरकार के गठन में महत्वपूर्ण है। क्षेत्र के विकास कितना हुआ है, समस्याएं कितनी हैं, इसके निराकरण के लिए वोट किसे मिलेंगे, इस पर मतदाताओं से चर्चा किए बोकारो संवाददाता दिनेश पांडे। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव की गर्मी जो है परवान पर है। अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगने लगा है। और आज से हम आपको बता दें कि बोकारो में गिरिडीह लोकसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन बोकारो यानी बोकारो जो है धनबाद में है और कुछ हिस्सा इसका लोकसभा का जो है गिरिडीह में भी पड़ता है। लेकिन अभी हम जो खड़े हैं चास में खड़े हैं, जो धनबाद लोकसभा का एक अंश है, हमारे साथ लोग हैं पीछे में कि लोग इस बार कैसा प्रत्याशी चुनेंगे और किस तरह का विकास चाहते हैं लोग, स्थानीय मुद्दे इस पर हावी होंगे या फिर जो है किस तरह से लोग मतदान करेंगे, इनकी क्या रुझान है, ये चाहते क्या है। तो आइए हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके के जो चुनाव के जो माहौल जो है अब गर्माहट परवान पर है, ये आप बताइए जिस तरीके के अब जो चुनाव जो है इस बार जो चुनाव हो रहा है, आखिर इसको मुद्दे क्या होंगे और कैसा प्रत्याशी आप लोगों को चाहिए। देखो वो मुद्दा जो भी है मेरे वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग जो हिंदू राष्ट्र है और हम लोग जो भारतीय है ये संविधान को बचाने के लिए यूनिटी काम कर रहे हैं। देखिए इनको बीजेपी चाहिए और बीजेपी संविधान बचाने की काम कर रही है, इनका साफ साफ कहना है। हमारे साथ और लोग हैं जी, आप बताइए आप क्या चाहेंगे। बीजेपी को चाहते हैं क्यों? वही हिंदू का पर काम कर रहा है। लेकिन झूलू महतो पर कई आरोप लग रहे हैं, लगातार झूलू महतो को विपक्षी जो है घेरने की कोशिश कर रहा है, तो उस स्थिति में आप झूलू महतो को किस नजरिए से देखते हैं? झूलू महतो वालों ने हम मोदी को देखा है। देखिए बेशक मोदी को देख रहे हैं और मोदी को देख कर वोट करेंगे। हमारे साथ और जो लोग जो हैं, हम और लोगों से भी मिलेंगे कि इनकी क्या स्थिति है। इस बार देखिए आप जो है चुनाव में देख रहे हैं कि लगातार गर्मी चुनाव की बढ़ने जा रही है, तो आप कैसा प्रत्याशी इस बार चाहिए? तो आखिर किसको इस बार देखिए दो प्रत्याशी आमने सामने की टक्कर में? देखिए बेशक शांति प्रिय जो व्यक्ति होना चाहिए, इनका साफ साफ संकेत भी है, लेकिन समझने की बात है कि इनका संकेत कहाँ है और ये कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं जो देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके के क्या होना चाहिए और किस तरह के, ये आप बताइए कि कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? जो अच्छा हो, जो डकैत ना हो, यही तो प्रत्याशी चाहिए। आखिर कौन किसे आप चोर मानते हैं? कोई नहीं मानते हैं, जो अच्छा प्रत्याशी हो उसी कोई कीजिए। अब ये है क्या नहीं है उतना नहीं है आपको। देखिए बेशक मतदाताओं की बड़ी चलाकी है और मतदाता अपनी जो है पत्ता खोलना नहीं चाह रहे हैं, और मतदाता लगातार इस तरह का संकेत भी दे रहे हैं कि चोर या इस तरह का आदमी नहीं चाहिए। जी आप बताइए आप कैसा देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं और किसे चाहिए आप? ऐसा कैंडिडेट जो शांति प्रिय वातावरण तैयार कर सकें एवं स्थानीय मुद्दा का आगे बढ़ा सकें, यहाँ का विस्थापित मुद्दा स्थानीय यहाँ का ग्रामीण दुर्दशा अच्छा कर सके, ऐसा कैंडिडेट। अच्छा किसे मानते हैं आप? दो लोग आमने सामने टक्कर में हैं, अनुपमा और झूलू। अभी दोनों कैंडिडेट जो है दोनों अभी नया दोनों में जो अच्छा काम करेगा ज़्यादातर जनता। लेकिन बिना जीते हुए कैसे काम करेगा आप, ये क्यों नहीं बताते कि इससे दोनों में बेहतर कौन है? समझे दोनों में बेहतर कौन है? दोनों में यदि आप बेहतर देखिएगा तो जो विधायक वर्तमान है उस क्षेत्र में देखते हैं उसमें तुलना करेंगे। दोनों विधायक हैं, एक का पति विधायक है और एक विधायक है, जो वर्तमान विधायक वर्तमान देखिए बेशक इनका भी संकेत जो है साफ साफ है और ये इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं तो हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, मुझसे भी जानने की मैं कोशिश करूँगा। बताइए लगातार जो है गर्मी जो है इलेक्शन क्या गर्मी जो है लगातार बढ़ रही है और इसमें दो लोग आमने सामने हैं, एक अनुपमा सिंह और दूसरी तरफ धनबाद लोकसभा से झूलू महतो। आप किसे चुनेंगे, क्या चाहिए आप? हम तो झूलू महतो चुनेंगे।
देखिए ढोलू महतो को ही ढोक देंगे। अब कई आरोप ढोलू महतो पर लग चुके हैं, आरोप लगते हैं कि ढोलू महतो अच्छे व्यक्ति नहीं है, शांति प्रिय व्यक्ति नहीं है, उन पर कई वो मामले दर्ज हैं, सरजू राय ने उनके खिलाफ बगावत भी खोल दिया। लेकिन तब है कि आप किस नजरे से उन्हें देख रहे हैं? हमारा दृष्टि उसी के ऊपर ढोलू महतो के ऊपर, बेशक ढोलू महतो ही हैं, आप बताइए। ढोलू महतो है, ढोलू महतो जमीनी नेता है, जमीनी पकड़ है, और सबसे बड़का चीज़ है कि सबका दिन रात कभी भी फोन कीजिए वो हाजिर रहते हैं। जमीनी नेता है तो जमीनी नेता के स्तर पर ही उनको दिया जाएगा। देखिए बेशक कहा जा सकता है कि जमीन से जुड़े लोगों को ही इस बार वोट मिलेगा, और जमीन से जुड़े जो लोग हैं उन्हीं लोगों को इस वोट में इस बार लोग वोटिंग करेंगे। तो सवाल जब यह उठता है, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। मैडम आप किसे वोट करेंगे? देखिए ढोलू महतो यानी बीजेपी को ही वोट देने की बात है कि हम बीजेपी को वोट देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आरोप प्रत्यारोप का कितना भी गंभीर आरोप लग जाए, लेकिन मतदाताओं का क्या रुझान है? आप खुद सुन रहे हैं कि मतदाताओं की इस बार की इच्छा क्या है, और हमारे साथ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यह बताइए चाय पर है आप, सुबह सुबह आकर चाय पी रहे हैं, आप चाय की हिट के साथ साथ चुनावी हिट भी बढ़ने लगी है, आप क्या कहेंगे और कैसे लोगों को प्रत्याशी चुनेंगे? प्रत्याशी तो ढोलू महतो ही है गुना गल, और उनको जमीनी असर से जो बताए उसी हिसाब से उनको जो खास करके ये मोदी जी के अतीत में जो है देखिए साफ साफ बात है कि स्थानीय प्रत्याशियों से लेना देना लोगों को नहीं है, और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मोदी को देखते हुए यहाँ के लोग जो वोट करेंगे, यानी मोदी जो है मोदी को ही देखते हुए यहाँ वोटिंग होगा, और मोदी के चेहरे पर ही ढोलू महतो चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ढोलू महतो के चरित्र से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम वोट देंगे तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देंगे, उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर हम वोट करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी जी के चेहरे पर वोटिंग होगा, यानी मोदी और सीधे कहा जा सकता है कि मोदी जी के चेहरे